तीन ओवर का मैच है भाई। वाटरली टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी सुनी है। चलिए यहाँ पर पूरे मैनेजमेंट परेश दादा आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा काबिल समझने के लिए इस टूर्नामेंट में। बहुत बढ़िया रिस्पेक्ट इज्जत देखिए हम सुबह से देखते आ रहे हैं, कभी गर्म चाय की प्याली तो कभी दोपहर का गर्मा गर्म थाली। लाजवाब रहा यहाँ से हर मेहमानों का, देखिए बड़ी अच्छी तरह से सम्मान किया गया। खास करके देखिए प्रशांत दादा गुराडकर जिनके जन्मदिन है, मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देना चाहूंगा, ना दिमाग से ना मैसेज से ना कोई ग्रीटिंग से, सीधा दिल से। चलेंगे पहली गेंद की तरफ, यहाँ से तीन ओवर का मैच है। पहला गेंद विकेट कीपर भी फिट और थर्ड मैन भी फिट और बाई के रूप में चार। अल्पेश सर देखिए दो नजदीक टीम रहते हैं ना, मामला ये रहता है, लेकिन इस तरह से आप ट्रॉफी तक नहीं पहुंच सकते हो। कहते हैं ना दूध से बनती है कॉफी, और कौन सी टीम को चाहिए भाई द केक क्राउन कंपनी की ट्रॉफी। दोनों टीम तो ट्रॉफी के लिए उतरेंगे और फर्स्ट डे देखे टेम्बुली का नाम रहा भाई। सुनिंदा खिलाड़ी कहीं सीनियर खिलाड़ी कहीं अनुभव खिलाड़ी नहीं थे टीम में, लेकिन कल फिर भी बाजी मार ली, लेकिन आज भी सोचता अलर्ट फिर कहीं करेंगे, लेकिन आज सिक्का नहीं चला। और ये चलिए भाई एक गेंद थोड़ा सा कम खेलना होगा। कहते ना फूल से दोस्ती कर लो तो अक्सर कांटों से खतरा, अगर डॉन से दोस्ती किया ना तो फिर जान को खतरा, और डॉट गेंद से दोस्ती कर लिए तो फिर आपके साथ साथ टीम को भी बनेगा खतरा। दर्शन धनेश चलिए भाई ये गेंद को, और पंकज माली देखिए पिछला मैच का क्या अवार्ड दिया गया इन्हें, मैन ऑफ द मैच बने थे पंकज माली, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे। अगर अवार्ड लिए तो ठीक है, अगर ना लिए तो फिर मैच के बाद आकर ले सकते हैं, क्योंकि खास मेहमानों का सम्मान चलता रहा। लाजवाब कहते ना हर जंगल में चंदन नहीं होता है, हर शहर में देखिए प्रशांत दादा गुराडकर एक नेक दरिया दिल, लीडिंग एज और विकेट कीपर कोई गलती नहीं, और पहला विकेट यहां से गिरता हुआ। इसे कहते हैं पहली नजर में दिल नहीं चुराया दिल चलाया, क्योंकि टेनिस क्रिकेट का हर खिलाड़ी कहता है वो लाले या तो सवे दिल जले। चारने के बाद पहला बल्लेबाजी मिला था। अब ये देखिए घायल शेर मैदान में उतर रहे हैं। चलिए भाई अल्पेश सर बता रहे हैं थोड़ा स्पीड अप कीजिए, नहीं तो कहीं मैं पनवेल 10 बजे पहुंचने की जगह 11 ना बज जाए। ट्रैफिक बहुत रहता है शाम के समय, कोई बात नहीं। चलिए आप देखिए यहाँ से कुछ रन ढूंढना बहुत जरूरी है। पिछला मैच में जिस तरह से वर्ल्ड टीम ने बल्लेबाजी की और उसके बाद गेंदबाजी, लेकिन दाग देना चाहूंगा अल्पेश सर धानु टीम जो जवाब दिया उन्होंने बल्लेबाजी में, मैच लगभग बना लिए थे, लेकिन दोनों टीम ने अच्छी क्रिकेट खेले। और अब देखते हैं यहाँ पर क्यों नहीं द्विवेद टीम क्या कुछ, पिछला मैच का पूरा नजारा देखे भाई। अक्षय मडवी देखिए यहाँ से इनके बल्ले से बड़ा हिट नहीं भाई, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 7 रनों तक और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ। चलती है थोड़ा सा यहाँ पर हमारे डीजे के पास, डीजे को समय से शांत है यहाँ पर हम
बहुत बढ़िया देखिए, पर टाइटल सॉन्ग इस टूर्नामेंट ये जिंदगी रही तो अल्पेश सर फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी मैनेजमेंट है। लेकिन अक्सर देखिए भाई, इन्हें अब कुछ खतरों का खिलाड़ी बनना होगा और मैदान पर देखिए उतर कर कुछ नजरें मिलाना होगा भाई गेंद से। कहते ना, पानी से तस्वीर बनती नहीं और सिर्फ ही ख्वाब देखने से तकदीर बनती नहीं। ये जो डॉट गेंद, ये जो मसला है ना, इसे हल करना होगा। और ये चलिए इस बार देखिए, ना बने ये दिलीप कुमार, ना बने ये अमिताभ, ना ये बने किसी हीरो के बच्चे, ये तो हैं भाई सीधे साधे अक्षर, लेकिन इस बार उन्हें आना पड़ा सुनने पर। सुनने पर आउट होते हुए अब देखिए यहां से घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती है। मुझे लगता है दो मैच इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, चोटिल होने के बावजूद भी। चलिए यहां से बात करेंगे, अक्सर यहां पर आउट हो चुके हैं पिछला मैच, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की। तो चलिए यहां से अक्सर बड़ा विकेट, लेकिन उसके बाद सूरज इनके ऊपर बहुत कुछ रहेगा और ये सूरज वीर के लिए भी काम नहीं चल पा रहा है। कहते हैं ना, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद है, और गेंदबाजी हावी हो जाता है उसे सफलता मिलने के बाद। और प्रयाग वाली देखिए यहां से, पिछला मैच अंतिम ओवर आए थे और इस बार कोई मौका नहीं दे रहे यहां से। क्या गेंदबाजी देखिए यहां से, कुछ करना होगा यहां से। और ये चलिए, मौका नहीं, मौका नहीं, उनका चोटिल का पूरा फायदा उठाते हुए यहां से कोई बड़ा हिट खेलने का मौका नहीं दे रहे यहां से। लगन कहते हैं ना, मुसीबतों से लड़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। यहां से देखिए वन बाउंस और उसके साथ वाइड, फिर से थोड़ा बूंदा बांदी। ये हमेशा जब जब बटाली टीम सेकेंड गेंदबाजी करते हैं थोड़ी बारिश गिरती है, बेनिफिट फायदा इन्हें कुदरत की तरफ से भी और खुद का मेहनत भी भाई। सूरज जोशी को कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हैं भाई, बड़ी मुश्किल से जाकर भाग भाग कर सिंगल लेते हुए। और रन कितना बना है अभी तक, 9 रन बना है और 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। चलते हैं डीजे के पास। शांत गोरा चलिए गेंदबाज जो फिर से एक बार तैयार हैं, आखिरी अंतिम ओवर लेकर यहां से। 3 ओवर का मैच था लेकिन सूरज आखिरी था, क्योंकि अक्षय का विकेट भी जा चुका है, दर्शन का विकेट भी गिर चुका है। धनेश देखिए 9 स्ट्राइक पर तड़प रहे हैं, लेकिन जिस सूरज पिछले 2 मैच में आखिरी में अगर रन बनाए थे और वो सूरज को भी बांध कर रखे हैं। ये डॉट गेंद का सिलसिला, अटली टीम देखिए एकदम से मैच कैसी चिपक लिया भाई। ये ट्रॉफी के लिए मैच है भाई। ये चलिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं भाई, 22-1 रन आता हुआ। अभी गेंद कितना बचा है अल्पेश सर, 4 गेंद बचा है और जिसमें देखिए
अभी तक 11 रन हुआ है भाई, कहते ना कब्रिस्तान पर हड्डियां काफी पड़ी है, लेकिन अभी भी देखिए 4 गेंद बचा है, अभी भी 4 गेंद बचा है, कुछ भी हो सकता है। नहीं ये काम नहीं चलेगा भाई, कहते ना भैंस ने जियो का सीम खाया तो ये मत सोचिए अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबरी भी दे सकती है। क्या ये अगला 3 गेंद? नहीं कुछ काम नहीं बन रहा है। अभी गेंद कितना बचा है? 2 गेंद बचा है भाई, काम नहीं बन रहा है। 2 गेंद बचा है और ये चलिए, ओ हो मामा ठाकुर, अरुण भी गए और सपना भी भाग गई। यारी किसके साथ गाना गाएगा, डीजे वाले के साथ? नको, एक गेंद बचा है क्योंकि ये टॉट गेंद और मैच दोनों को लेकर जा रहा है। ये चलिए भाई, लग नहीं रहा है जो कम्युनिटी भी सुबह से खेल रही थी कि वो टीम यहां पर बल्लेबाजी करके आई। कितना रन बनाए? 11 रन, जीत के लिए 12 की जरूरत है। अगर ये 12 रन बचा लेते हैं तो फिर एक इतिहास लिखा जाएगा, लेकिन कमेंट्री बॉक्स पर देखिए धुमाल सर छुड़ेंगे और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे दौके का क्राउन कंपनी ट्रॉफी 2024 में सभी का तहदिल से स्वागत है। और खास करके प्रसन्न दादा गुराड़कर देखिए जिनका जन्मदिन आज है, स्पेशल मुबारकबाद देना चाहूंगा फिर से एक बार। और अपना यहाँ से देखिए बात करेंगे, कमेंट्री का टर्न कंप्लीट हो चुका है। परेश दादा गुराड़कर, मोनीस पूरी, जयन वन टेम्बुली टीम, तय दिल से शुक्रिया काबिल समझने के लिए इस टूर्नामेंट में हमें। जिंदगी रही तो निश्चित रूप से फिर मिलेंगे, मिलते रहते हैं भाई। टेम्बुली टीम ऐसा कोई है मैदान नहीं एरिया नहीं जहाँ पर अपना कैर नहीं बरसाती है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर 12 का टारगेट को कैसे रोका जाए, सब सुनने के लिए चलेंगे सुभाष धुमाल सर की तरफ। लेकिन धुमाल सर तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र। तर बोलूया आपण स्वागत सत्काराकडे, सन्मान केला जाईल। आज आपल्यामध्ये बाबूशाह सर विनोदी शैलीचे समालोचक, आज त्यांचा आवाज सकाळपासून आपण ऐकत होतो संध्याकाळपर्यंत आणि त्यांचा हेतूचे सन्मान येथे केला जाईल। कॉमेडी विथ कॉमेंट्री असं त्यांचं समालोचन असतं आणि त्यांचा हेतूचे सन्मान येथे केलं जातं। या कॉमेंट्रीमधील 47 आपण पाहतोया बाबूशाह सर, प्रशांतजी गोराटकर यांच्या सुभाष ते हा सन्मान इथे केला जाईल आमच्या सकाळ समालोचक बाबूशाह सर। काल आपण राहुल वैर सर आणि प्रमोद शेटगे सरांचा आवाज ऐकला होता आणि आज बाबूशाह सरांचा आवाज देखील आपल्याला ऐकायला मिळाला आणि त्यांचा टर्न समाप्त झाल्यानंतर आता मात्र त्यांना सन्मानित केलं जाते हे आपण पाहू शकता। अतिशय विनोदी शैलीचे समालोचन त्यांच्या माध्यमातून नेहमीच आपल्याला ऐकायला मिळते आणि त्यांचा हा सन्मान प्रशांतजी गोराटकर यांच्या सुभाष केला जात आहे। शॉल पुष्प आणि या सन्मानचन देऊन त्यांना सन्मानित केलं जात आहे। या सन्मानानंतर बोलू आपण पुन्हा एकदा सामन्याकडे। चलिए धुमाल सर का भी यहाँ पर सम्मान किया जाएगा और सम्मान के साथ साथ जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। एक ऊपर के बाद धुमाल सर का सत्कार लेते हैं। तर आव्हान आहे ते 12 धावांचं आणि 12 आव्हानाचा पाठला करताना आपण पदे भाटाले संघाने 3 धावीने आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे। 1 शॉटचा इशारा पंचांकडून आलेला आहे, हे फक्त 2 धावा पंचांनी शॉटचा इशारा केलेला आहे। अगदी तीक्ष्ण नजर आपण पदे घारीसारखी नजर आहे संदीप पाटील सरांची, मोरासारखे तिखट कान आहेत आणि घारीसारखी तीक्ष्ण नजर आहे। इथे चेंडूला आपटे दिली होती, चेंडू निघून जातो या इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये। पहिले षटक मेघनाथ गोंधळी हाताळण्यासाठी आलेले आहे। गोंधळी याला जर हा सामना आपल्या संघाला जिंकून द्यायचा असेल तर फलंदाजांना गोंधळात टाकावं लागेल।
जितू आणि प्रेम हे जोडी मैदानामध्ये, प्रेम पाटील मॅन इन फॉर्म, मॅन इन फॉर्म। आणि या जसं मी उल्लेख केला हॅलो, तो चलिए एक रन बचाए, धुमाल सर सम्मान ले लीजिए आपका निश्चित रूप से। स्कोर लेवल झालेले आणि या सामना जिंकलेला तो जयब्रह्मदेव भाटाले संघाने यावंत दावेने। आज की शाम जयब्रह्मदेव भाटाले के नाम तर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया आणि मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे। खरं तर दोन प्रबल दावेदार होते, पंकज माली प्रयाग माली पियुष यांनी देखील चांगलं षटक घातलं होतं। पाहूया, खूप कठीण आहे खरं तर हे काढणं की मॅन ऑफ द मॅच कोण आहे।